नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। आईपीएल में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार ऑरेंज कैप जीती है उसकी डिमांड बढ़ गई है। ऑरेंज कैप मतलब बल्ले से रन बनाने होते हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाओगे तो ऑरेंज कैप जीत कर ले जाओगे। अब मैं उस खिलाड़ी का जिक्र आपके सामने करूंगा जिसने सबसे ज़्यादा बार ऑरेंज कैप जीती है, और सबसे बड़ी बात है उसकी डिमांड बढ़ गई है। अब सबसे पहले बात तो आपके जहन में अब सवाल आ गया होगा कि आखिर ऐसा खिलाड़ी कौन है जिसने सबसे ज़्यादा बार ऑरेंज कैप जीती है। तो आप थोड़ा ध्यान लगाकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार 3 बार ऑरेंज कैप जीती है। साल 2015 में डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप जीती थी, उसके बाद में साल 2017 में डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप जीती थी, और साल 2019 में फिर डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप जीती थी। और अपनी कप्तानी में डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद को एक बार खिताब भी जिता चुके हैं। अब जिस तरह की फॉर्म में डेविड वार्नर हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी डेविड वार्नर कर रहे हैं, उसे देखकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाले प्लेयर होंगे जब मेगा ऑक्शन होगा, और डेविड वार्नर सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर उस लाइन में है, शिखर धवन, डेविड वार्नर उस लाइन में है जो सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन डेविड वार्नर के पीछे टीमें इसलिए भी जाएंगी क्योंकि वो कप्तानी मटेरियल है, वो कप्तानी भी करेंगे, शानदार ओपनर भी हैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी 3 बार ऑरेंज कैप जीत चुका है तो जाहिर तौर पर सभी टीमों को उस खिलाड़ी की काबिलियत का पता है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम को एक बार खिताब जिता चुका है कप्तानी में तो जाहिर तौर पर सभी टीमों को उसकी काबिलियत का पता है। इसीलिए जो खिलाड़ी 3 बार ऑरेंज कैप आईपीएल के इतिहास में जीत चुका है, ऐतिहासिक है, उसके पीछे सभी टीमें जाएंगी और सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक डेविड वार्नर हो सकते हैं। आरसीबी, पंजाब, उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो डेविड वार्नर के पीछे महंगी बोली लगाएंगी, बहुत पीछे तक जाएंगी। तो ये वो खबर थी जो सबसे महंगे सबसे ज़्यादा ऑरेंज कैप जीतने वाला खिलाड़ी था उसकी डिमांडिंग है, सबसे ज़्यादा डिमांड में वो खिलाड़ी है और सबसे ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो आपका डेविड वार्नर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि डेविड वार्नर इस बार भी ऑरेंज कैप के हकदार हो सकते हैं जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, और किस टीम में डेविड वार्नर जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।